ये शिक्षक गायब मिले थे। 27,000 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है। दरभंगा में सबसे ज्यादा शिक्षकों पर एक्शन देखने को मिला है। दरभंगा में 3,884 शिक्षकों का वेतन कटा है। तो नालंदा की बात करें तो यहां 3,000 शिक्षकों का वेतन कटा है। सबसे कम शिवहर में 57 शिक्षकों का वेतन कटा है। 16 मई तक का यह आंकड़ा बता रहा है कि किन शिक्षकों कितने शिक्षकों का वेतन कटा है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के आंकड़ा जारी किया है। और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, बड़ा एक्शन देखने को मिला है, शिक्षकों का वेतन भी कटा है और जिस कार्रवाई की बात कही जा रही थी वो कार्रवाई हुई भी है, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए राहुल, शिक्षा विभाग के एसीएस के रूप में जब से लेके पाठक ज्वाइन किए हैं तब से रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके साथ साथ इंस्पेक्शन किया जा रहा है और तमाम जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक है वो निरीक्षण कर रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है, मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट है ये, 16 मई तक 32,828 जो शिक्षक हैं उनके वेतन कटौती की अनुशंसा हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा दरभंगा जिले में 3,884 शिक्षक हैं उनका वेतन काटा गया है। नालंदा में 3,000 शिक्षक हैं उनका वेतन काटा गया है। इसी प्रकार से अलग अलग जिलों के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि जो स्कूल की टाइमिंग है उससे अगर आधे घंटे लेट भी कोई शिक्षक पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, या समय से पहले स्कूल छोड़ रहे हैं एक्शन लिया जा रहा है। तो वेतन कटौती का जो आंकड़ा अब तक का आया है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आंकड़ा है। इससे पहले अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग ने नहीं की थी। कहीं ना कहीं रजनीश, शिक्षा विभाग की कार्रवाई के पाठक के आदेश निर्देश और उसके बाद से शिक्षकों ने कई बार विरोध भी किया है, इस बार शिक्षकों का मूड कैसा नजर आ रहा है क्योंकि वेतन कटा है और काफी ज्यादा संख्या में जो शिक्षक है उनका वेतन कटा है? देखिए, शिक्षकों में हड़कंप जरूर मचा हुआ है क्योंकि जिस प्रकार से 7 दिनों का, 3 दिनों का, यहाँ तक कि महीने भर का ये वेतन जो है काट लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हड़कंप है और शिक्षक कोशिश कर रहे हैं कि समय पर स्कूल पहुंचे। हालांकि कई शिक्षक जो है अनुपस्थित पाए जाते हैं या बिना सूचना के गायब पाए जाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में हड़कंप है और निश्चित रूप से उनकी आदत में भी एक तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। राहुल, तो रजनीश, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा सुधार भी इस नजरिए से होगा कि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचेंगे, उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे? मनोवैज्ञानिक रूप से काफी दबाव बढ़ गया है और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बढ़ने का दोनों इम्पैक्ट होता है, एक तरह से साइड इफेक्ट भी होता है और इसका गुड इम्पैक्ट भी होता है। तो दोनों देखने को मिल रहा है, शिक्षक आक्रोशित भी है और शिक्षकों में एक तरह से जो बदलाव है, जो उनके रवैये में सुधार हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। तो दोनों इम्पैक्ट है राहुल, बैड इम्पैक्ट भी है और गुड इम्पैक्ट भी है। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका।